सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे। यानी जो भी आप लोगों ने तैयारी किया है अभी तक, उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे फर्स्ट लेवल आईजी, एमओ, आईओ, एनएसओ, आईएमओ और आईएसएसओ ओलंपियाड एग्ज़ाम डेट जो है ऑलरेडी आ चुका है। मैं आप लोगों को इसमें जो है अपकमिंग एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा कि अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसमें कौन कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है। तो देखो, ये जीके का जो एग्ज़ाम है, अब जो है एक ही एग्ज़ाम बचा है। यानी जिन बच्चों ने अगर 21 सितंबर को नहीं दिया था, तो आपको मैं बता दूं कि ये आपका एग्ज़ाम डेट है और ये फाइनल एग्ज़ाम डेट है। यानी 10 अक्टूबर को आपको हर एक हाल में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और हर एक हाल में, किसी भी हाल में आपको ये 10 तारीख को एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, अब मान लीजिए कि आपने ये एग्ज़ाम देना है, तो आपने तैयारी जो किया है, जो भी कर लिया है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश वाले की बात करूँगा तो 26 सितंबर को ये एग्ज़ाम जो है ऑलरेडी एक हो चुका है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अपकमिंग में भाई देखिए, ये 12 अक्टूबर को एक एग्ज़ाम होने वाला है। यानी आईईओ का जिसने भी इंग्लिश ओलंपियाड के लिए भरा होगा, अब आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 12 अक्टूबर को होगा और एक जो एग्ज़ाम है वो 2 नवंबर को है। मान लीजिए कि 12 अक्टूबर को अगर जिसका जिसका एग्ज़ाम नहीं होता है, उनको अब 2 अक्टूबर को देना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं ज़रा हम लोग एनएसओ के बारे में बात करेंगे। यानी नेशनल साइंस टैलेंट एग्जामिनेशन, इसका पहला एग्ज़ाम जो है ये 17 अक्टूबर को होने वाला है। पहला एग्ज़ाम जो है वो 17 अक्टूबर को होने वाला है, दूसरा एग्ज़ाम जो है उसके बाद नवंबर में चला जाएगा और तीसरा जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होगा। होप कि पहला एग्ज़ाम जो 17 नवंबर को है, आप लोग इसके लिए ही देख के चलिए कि 17 अक्टूबर को ही आपका एग्ज़ाम होगा। सबसे मेन एग्ज़ाम जो है भैया वो है आईएमओ का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है मैथमेटिक्स में जो है दिलचस्पी रखते हैं और मैथ का पहला एग्ज़ाम जो है वो 31 अक्टूबर को है। यानी आईएमओ का जो पहला एग्ज़ाम है वो 31 अक्टूबर को रखा गया है। अगर 31 अक्टूबर को आपका नहीं होता है, फिर उसके बाद सीधे एक महीने बाद यानी 30 नवंबर को, और उसके बाद सीधे आपको 14 दिसंबर को जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और जिन बच्चों ने एनसीओ का भर रखा है, यानी नेशनल साइबर ओलंपियाड, उनका जो पहला एग्ज़ाम है वो 28 नवंबर को है। यानी अभी आपको इस महीने में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपका नव एग्ज़ाम नवंबर में है। और जिन बच्चों ने आईएसएसओ का भर रखा है, उनका एग्ज़ाम तो भैया दिसंबर में है, वो तो अभी बहुत दूर है। ठीक है, दिल्ली उनकी अभी बहुत दूर है, बट जिनका जिनका मैंने लिखा है और इस मंथ में जिसका जिसका एग्ज़ाम है, आप लोग भैया तैयार हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम भाई एकदम नज़दीक आ गया है। तैयारी आपको पता ही है कि आपने जो भी किया है अच्छे लेवल पे किया होगा। ठीक है, तो 12 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और यहाँ पे आप देख रहे हैं 17 अक्टूबर और यहाँ पे 31 अक्टूबर। सबसे पहला एग्ज़ाम 10 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, 10 अक्टूबर को IGKO का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो है 12 अक्टूबर को IEMO का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद 17 अक्टूबर को NSO का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद 31 अक्टूबर को जो है आपका IMO का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी बच्चे ये डेट नहीं जानते हैं, अपना डेट एक बार नोट कर लीजिए। वैसे भी आपको स्कूल में बता भी दिया गया होगा, अगर स्कूल में नहीं बताया गया होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। 10 को है, 12 को है, 17 को है और 31 को है। अगर इस महीने में ये एग्ज़ाम आपके हो गए तो ठीक है, क्योंकि भाई देखो, ये जो जीके का जो भी भरे हैं, अब इनके लिए कोई चांस नहीं है, मतलब देना ही देना है। अगर आपने आईएमओ का भरा है तो आपको मिल सकता है एक और मौका नवंबर में देने का। जिन्होंने एनएसओ का भरा है वो नवंबर और दिसंबर दोनों में दे सकते हैं, और आईएमओ का जिसने भरा है ना, आईएमओ का यहाँ पे देखिए, उनको भी, उनके पास भी अभी 2 मौके और हैं। यानी 31 अक्टूबर को है, उसके बाद 30 नवंबर को है। जिनका जिनका 31 अक्टूबर को हो जाएगा उनका अब अगला नहीं होगा, और जिनका नहीं होगा उनका नवंबर में होगा। इन केस द एनी चेंज ऑफ शेड्यूल द इम्पैक्ट द COVID-19 द ओलंपियाड 2000 सील विद द शेयर नॉन साइड, अगर कोई भी चेंजिंग वगैरह होता है तो ये बता देंगे। लेवल 2 का भी यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया है। लेवल 2 का जो डेट होगा, डेट ऑफ सेकेंड लेवल एग्जाम विल बी द जेन 2024, यानी जनवरी में सेकेंड लेवल का होगा। सेकेंड लेवल एग्जाम विल बी द होल्ड ऑफ स्टूडेंट क्लास 3rd to 12th फॉर ISO, मतलब सेकेंड लेवल का जो एग्जाम होता है वो किसका होता है, वो SO तो कंडक्ट करवाती ही है। इसके अंदर IEO का होता है, उसके बाद जो है NSO का होता है,
उसके बाद जो है आपका IMO का होता है। ये दो एग्ज़ाम जो होते हैं आपके लेवल टू के भी होते हैं, ठीक है। लेवल टू में भी आप इन दोनों को एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर लेवल वन आपका क्वालिफाई होता है तो आप लेवल टू में जाइएगा। बट यहाँ पे देखिए ISOSO, IGKO और ICEO और NCO विल बी द सिंगल लेवल एग्ज़ाम, अर्थात एक ही एग्ज़ाम होता है इन सब का। बट इन सब का जो है लेवल टू भी होगा, और लेवल टू जो होगा जनवरी में होगा। तो तैयारी ऐसे कीजिए कि दोनों लेवल का काम आपका बन जाए और दोनों लेवल की तैयारी आपकी बढ़िया से हो जाए, ठीक है। तैयारी के ऊपर आपको पता ही है कि मेरी क्लास चलती है। अगर पढ़ना है, मेरे साथ जुड़ना है तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, मेरे साथ आ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो, नई क्लास। तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।